हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक रेसिपी जो कि है बहुत ही आसान और बहुत ही हेल्दी है। तो ये है ब्राउन ब्रेड इडली। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ब्राउन ब्रेड को लेना है। अगर आप चाहें तो आप इसके कॉर्नर्स निकाल सकते हैं। मैंने 4 ब्रेड का ये यूज़ किया है। इसे आप मिक्सर ग्राइंडर में डालें, कुछ इस तरह से रफली आप तोड़ तोड़ कर डाल सकते हैं जार में। इसके बाद आपको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आपको कुछ इस तरह का क्रम्स के फॉर्म में मिलेगा ब्रेड। ये देखिए, ये बिल्कुल लम्प फ्री होना चाहिए। इसके बाद हम लोगों को इसमें रवा या सूजी डालना है। आप चाहें तो इसमें 4 ब्रेड के हिसाब से मैंने 1/2 कटोरी रवा लिया है, और अगर चाहें आप तो इसमें थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है दही। मैंने खट्टे दही का यूज़ किया है ताकि इसमें फर्मेंटेशन हो और ये अच्छा एक सॉफ्ट इडली बने। इसके बाद आपको करना है मिक्स। ज़रूरत के अनुसार आप इसमें पानी ऐड करें। क्योंकि सूजी थोड़ी थोड़ी देर में फूलती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आपको देखना होगा कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। इसके बाद आपको ऐड करना है इसमें कटा हुआ प्याज, कटी हरी मिर्च और कटा हुआ टमाटर। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें अगर चाहें तो हरा मटर भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास धनिया हो तो धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी इसकी चेक करनी पड़ेगी आपको थोड़ी देर के लिए। तो इसके बाद मिक्स करने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए इसे रखना पड़ेगा। तकरीबन 15 से 30 मिनट के बाद इसमें इनो डालें, और इनो डालने के बाद इसमें थोड़े से नमक भी डालें। इसको मिला लें। इसे अच्छे तरीके से मिलाने से ये होगा कि इनो इंस्टेंटली इसे फर्मेंट करता है और इससे फूली हुई इडली बनती है। जो आपका इडली का कंटेनर है उसे आप पहले से ही ग्रीस करके रखें, और इसके बाद फिर ये आप कुछ इस तरह से डाल सकते हैं। 4 ब्रेड और 1/2 कटोरी रवा से मैंने 16 इडली बनाई है। अगर आप चाहें तो इसे ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा कर लें। इसे पकने के बाद कुछ इस तरह से कितने आराम से ये निकल जाती है, क्योंकि पहले से मैंने इसे ग्रीस करके रखा था। तो आप भी पहले से ग्रीस कर लें हल्का सा ऑयल लगा कर। अब मैं इसे आपको तोड़ कर दिखाऊँगी कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। ये देखिए, ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। मुझे ये तोड़कर मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आप भी घर पे इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये कैसे लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।